हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। स्ट्रॉबेरी हमारे लिए बहुत ही मुफीद फल है और ये मोहब्बत की अलामत भी है। इसके इस्तेमाल से हमें बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। 3 से 4 स्ट्रॉबेरी खाने से हम नज़र की कमज़ोरी से बच सकते हैं और हमारी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में भी स्ट्रॉबेरी हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है। चलिए हम स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए स्ट्रॉबेरीज, जिसको हमने धोकर कटिंग कर लिया है। इसको हम ब्लेंडर में डालेंगे और 1 कप जो है हमने दूध लिया है उसको भी हम ब्लेंडर में डाल देंगे और 1 चम्मच जो है हमने चीनी ली है और साथ ही हमने जो है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जो है आइसक्रीम ली है। इसको हम ब्लेंडर में डाल देंगे और देखिए हमारा मिल्क शेक जो है वो तैयार हो गया है। और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक से हमारा खून जो है वो बनता है और ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद। हम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्ट्रॉबेरी हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इससे हमारी हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। चलिए हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड। इसके लिए हमने दूध लिया है 2 कप और साथ ही मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर। इसको मैंने दूध में पहले से हल करके रखा था। जब दूध गर्म हो जाए तो इसके अंदर चीनी जो है वो शामिल करेंगे और थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालकर इसको हलाते रहेंगे चमचे के साथ और जब ये गाढ़ा हो जाए तो उतार लेंगे। ये हमारा कस्टर्ड बन गया है। स्ट्रॉबेरी जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है शिफा पाई जाती है और ये हमारी जो डाइट है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर हम स्मार्ट होना चाहते हैं, अगर हम डाइट प्लान कर रहे हैं तो इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। हम स्ट्रॉबेरी को कटिंग करके दही के अंदर डाल लेंगे और इसको हम नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोपहर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये हमारा वज़न बहुत जल्दी रिड्यूस करेगी। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।